हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल और सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है एक और नए ऑसम क्लैश ऑफ क्लैंस के एपिसोड में। गाइस आज का बैकग्राउंड थोड़ा डिफरेंट दिख रहा होगा क्योंकि नया लेंस है, बहुत ज़्यादा वाइड है एंड बैकग्राउंड पे भी काम कर रहे हैं। आप लोग भी सजेस्ट करना कि क्या हम बैकग्राउंड पे कर सकते हैं थीम वगैरह। एक्चुअली जितने भी हमारे पास स्टैचूज है, रीमा ने जो इवेंट जीता था उसके जो स्टैचूज है और भी मेरे पास काफ़ी सारे स्टफ है जो हम लोग पीछे सजाएंगे, तो आप लोग थोड़ा सा सजेशन देना कि कैसे करें क्या करें। आई होप श्योर कि नेक्स्ट वीक तक मैं सब खत्म कर लूँगा। फिलहाल गाइज हम वापस आ चुके हैं एक और नए लेजेंड अटैक के वीडियो में। यस, लेजेंड अटैक्स। और आपको पता होगा मैंने आपको बताया था कि मैं ब्लिजर्ड लालो के साथ अभी भी बना हुआ हूँ। बीच में मैंने थोड़ा स्विच किया था जब सुपर विजर्ड्स के नर्फ आए थे, बट फिर भी मेरे को लग रहा है अभी भी काफ़ी ओपी है ये आर्मी। आप लोगों के साथ कुछ अटैक शेयर करूंगा आज के वीडियो में और आप लोग मेरे साथ देखना कि कैसे जा रहे हैं ये अटैक्स। एक अटैक हम लाइव भी करेंगे, काफ़ी मज़ा आएगा। तो गाइज एकदम लास्ट तक बने रहे आज के वीडियो के साथ। प्लीज़ एंड प्लीज़ गाइज अगर आप वीडियोज़ इन्जॉय करते हो तो लाइक किया करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को गाइज, क्योंकि 1 मिलियन सब्सक्राइबर का एम है और आपके बिना ये कभी पॉसिबल नहीं है। तो गाइज प्लीज़ एंड प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपको ये चैनल पसंद है। और गाइज एक सपोर्ट जो मैं आपसे हमेशा मांगता हूँ वो है क्रिएटर कोड अड्डा। अगर आप कोई भी सुपर सेल गेम में कुछ भी परचेज करते हो तो प्लीज़ एंटर कोड में जाके ADDA अड्डा कोड, कोई भी चीज़ परचेज करने से पहले प्लीज़ यूज़ करें। ये चैनल को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा मेरा। चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहले अटैक्स हम देखेंगे, फाइनली एक लाइव अटैक करेंगे। और गाइज आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और, CWL आने वाला है और CWL आने से पहले मैं कुछ बेसिस आप लोगों को शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। टाउन हॉल 10, 11, 12, 13 सारे बेसिस शेयर करूंगा, उसके लिए भी स्टे ट्यून, बहुत जल्द वो वीडियोज़ आने वाली है। ओके सो गाइज हियर वी गो, फर्स्ट अटैक आप देख सकते हो ये वाला बेस था, काफ़ी ट्रिकी बेस था। मेरे को एक्चुअली मतलब समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, मैं टाउन हॉल के लिए जाऊं या फिर कुछ और के लिए जाऊं। फिर मैंने सोचा नहीं, टाउन हॉल के लिए अगर मैं जाता हूं तो मेरे को वैल्यू काफी कम मिलेगी ब्लिजर्ड की, तो मैं एक काम करता हूं, मैं कोर में जाता हूं। यहां पे अगर आप देखोगे चारों के चारों एक्सपोज जो है वो एयर पे सेट है एंड उसी के साथ काफी सारा यहां पे वैल्यू मिल रहा है। तो मैंने यहां पे अपना ब्लिजर्ड यूज किया, यहां पे हमने लावा हाउंड सेंड किया, उसके पीछे अपना ब्लिंप आ रहा है। यहां पे अगर आप देखोगे तो गाइस वैल्यू कमाल है, एनिमी रॉयल चैंपियन मिल जाएगी, कपल ऑफ एक्सपोज मिल जाएंगे आपको, स्कैटर शॉट मिल जाएगा, एनिमी क्लैन कासल मिल जाएगा, तो वैल्यू इमेंस है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा जो रे स्पेल था और इनविजिबिलिटी स्पेल्स थी वो काफ़ी सही जगह प्लेस हो चुकी थी और हम यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी चीज़ें निकाल चुके हैं ऑलरेडी, स्कैटर निकाल चुके हैं, दोनों के दोनों एक्सपोज निकाल चुके हैं, सीसी निकाल चुके हैं और एक इन्फर्नो टायर आई थिंक और हमें मिल जाएगा एंड विजिट टायर भी हमें मिल जाएगा। और उसी के बीच हमने कुछ डिफेंसेस को थोड़ा सा डैमेज भी किया है, मतलब वो काफ़ी लो HP में जा चुके हैं। एनिमी रॉयल चैंपियन भी हमने निकाल दिया। तो अगर आप देखोगे गाइस बेस में कितना ह्यूज एक सेक्शन हमने इस बेस का निकाल लिया है विथ यूजिंग द ब्लिजर्ड। उसके बाद हीरोज ड्रॉप हो रहे हैं, एक येटी में लेके आता हूँ ताकि साइड के बिल्डिंग्स जो है उनको थोड़ा सा क्लियर कर दूँ और हीरोज़ की जो पाथिंग है वो बहुत अच्छी जाए। आइस गोलम अपना काम कर रहा है, क्वीन अपनी काम कर रही है। यहाँ पे दो लून्स हमने ये जो कैनन है उसके लिए सेंड किया ताकि ये कैनन जो है इसको कोई प्रोटेक्ट नहीं कर रहा था एयर टारगेटिंग कोई भी डिफेंस, तो यहाँ पे हमने काफ़ी इजीली कुछ कैनन्स भी निकाल लिए हैं। एक्चुअली दो कैनन्स हमने यहाँ पे बहुत चीपली निकाल लिए। फिलहाल यहाँ पे एक हेडहंटर का यूज़ किया ताकि एनिमी किंग को थोड़ा हम स्लो कर दे और बहुत तेज़ी से हमने किंग को निकाल लिया। और अगर गाइस आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे बॉटम सेक्शन में बहुत सारा हमने फनल भी बोल रहा हूँ, उसके साथ मैं बोलूँ तो बहुत सारे ट्रैश को ऑलरेडी क्लियर कर दिया। अभी तक हमने अपना लालो जो है वो शुरू नहीं किया है। टाउन हॉल भी हमें मिल चुका है गाइज, ये बहुत सही चल रहा है हमारा अटैक यहाँ पे। अभी तक हमने यहाँ पे RC की एबिलिटी यूज़ नहीं करी, जस्ट ड्रॉप करी है हमने RC को और अपना लालो शुरू कर दिया है हमने यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो ज़्यादा थ्रेड अगर मैं बताऊँ तो कुछ है तो या स्कैटर का कंपार्टमेंट क्वीन और यहाँ पे ईगल आर्टिलरी, बट यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे ट्रूप्स बचे हुए हैं, क्वीन एबिलिटी, वार्डन एबिलिटी, उसी के साथ रॉयल चैंपियन की एबिलिटी बची है, तो काफ़ी ज़्यादा हमारे पास फायर पावर बचा हुआ है। वार्डन एबिलिटी मैंने यहाँ पे इसीलिए यूज़ किया ताकि स्कैटर का मैं वहाँ पर डैमेज स्किप कर सकूँ और उसी के साथ हेड हंटर्स को मैं इमॉर्टल करूँ ताकि एनिमी क्वीन निकल जाए, जो कि यहाँ पे हो गया था। और उसके बाद मेरे को पता था कि ये अटैक जो है वो बहुत ही मक्खन जैसा जाएगा, कुछ ऐसा कुछ बचा नहीं था जो अटैक को रोक पाएगा। अगर आप देखोगे गाइस ये लावा हाउंड लास्ट में एकदम लास्ट सेकंड में जाके ब्लास्ट होता है, मतलब फूट के लावा पप्स उसके बाहर आते हैं एंड इतने सारे लून्स रहते, क्वीन एबिलिटी रहते, इतना सारा टाइम रहते, हमने इस बेस को क्रश किया। दो मेरे पास सुपर वॉल ब्रेकर्स थे बट उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो जैसे कि मैं बता रहा था गाइस अभी भी क्वीन चार्ज बोल रहा हूँ मैं, ब्लिजर्ड लालो काफ़ी ओपी है, आप ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नर्फ हो चुका है इसका मतलब आपको वैल्यू नहीं मिल रही है ब्लिजर्ड की,
yes, कुछ कुछ बेसेस हैं जहाँ पे काफी तगड़ा बेस डिजाइन है, वहां पे आपको वैल्यू अच्छी नहीं मिल रही है, बट कुछ कुछ ऐसे बेसेस हैं जहाँ पे आपको तगड़ी वैल्यू मिल रही है। एक सजेशन और रहेगा, हमेशा टाउन हॉल के लिए मत जाओ, कभी कभी आपको टाउन हॉल छोड़ के भी काफी वैल्यू मिलता है, वहां पे आप टारगेट कर सकते हो। ओके सो गाइस, नेक्स्ट अटैक मूव कर रहे हैं और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वाला बेस है, और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपको टाउन हॉल के सामने वैल्यू सबसे ज्यादा नहीं मिल रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप टाउन हॉल के लिए जाओ, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टाउन हॉल के सामने अच्छी वैल्यू है। एक स्कैटर है, विजिट टार है, एक एक्सबो मिल जाएगा, उसी के साथ एनिमी रॉयल चैंपियन भी आपको मिल जाएगी। तो मेरा एम यही था कि मैं स्कैटर शॉट के कंपार्टमेंट में आसपास अपना ब्लिंप को लैंड कराऊं, दो विजिट टार्स मेरे को मिलेंगे यहाँ पे, टाउन हॉल मिलेगा, स्कैटर मिलेगा, तो वैल्यू काफ़ी अच्छी मेरे को यहाँ पे मिलने वाली है। मेरा लावा हाउंड ने अच्छा सा टैंक किया, डिस्ट्रैक्ट भी कर दिया था, डबल ड्रैगन्स निकले थे तो मैं थोड़ा सा वरीड हो गया था कि भाई डबल ड्रैगन निकल गए, थोड़ी दिक्कत ना हो जाए मेरे को, बट ऐसा कुछ खास मेरे को दिक्कत नहीं हुआ। जहाँ पे मैं चाहता था ब्लिंप सेंड करना, मेरा ब्लिंप वहाँ तक पहुँच चुका था, और उसके बाद मैं कॉन्फिडेंट था कि चलो टाउन हॉल तो मिल जाएगा एटलीस्ट, ज़्यादा कुछ मिले ना मिले, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ज़्यादा ही मिला, कुछ कम नहीं मिला मेरे को। यहाँ पे विजिट टार्स मिले, एक्सबो मिला, और उसी के साथ मेरे को यहाँ पे एनिमी आरसी भी मिल गई थी। तो यहाँ पे वैल्यू जो ब्लिजर्ड की थी वो काफ़ी अच्छी थी, और एक बार ब्लिजर्ड वैल्यू मिलने के बाद मेरा जो एम था वो है ईगल कंपार्टमेंट। अगर आप देखोगे तो गाइज ईगल कंपार्टमेंट बहुत अच्छे से डिफेंडेड था, एक इन्फर्नो टार है, एक एक्सबो है, किंग है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो डिफेंड कर रही थी ईगल आर्टिलरी को, और मेरा एम ही था कि ईगल आर्टिलरी कंपार्टमेंट में एक बार ही टारगेट कर लूँ। उसके बाद जो एयर डिफेंस की पोजीशनिंग अगर आप देखोगे बेस में तो पूरे बाहर साइड में है, मतलब आपके लावा हाउंड्स जो है वो बलून्स के लिए बहुत अच्छा टैंक करने वाले हैं। तो यही था मेरा एम। क्वीन को मैं थोड़ा सा डर रहा था यहाँ पे कि क्वीन जो है वो बाहर चली जाएगी शायद फॉलो करके ड्रैगन को, बट ऐसा नहीं हुआ, किंग के साथ जो है क्वीन वापस अंदर आ चुकी थी। हेड एंटर हमने यूज़ किया यहाँ पे किंग को सॉफ्ट करने के लिए, एंड सुपर वॉल ब्रेक करके हमने अपना आइस वॉल्यूम को अंदर डाला बेस में, एंड उसी के साथ एक और हेड एंटर मैंने क्यों यूज़ किया था आई हैव नो आइडिया, एक ही हेड एंटर मेरे को यूज़ करना था बट गलती से मैंने शायद टैप कर दिया होगा। यहाँ तक सब कुछ सही चल रहा था, हमारा अटैक में कोई दिक्कत नहीं। येट माइट्स ने यहाँ पे कैनन निकाल दिया विच इज़ सो ऑसम। किंग एबिलिटी हमने यहाँ पे यूज़ की, मेरे को आरसी यूज करना पड़ा क्योंकि बाहर साइड पे कुछ डिफेंसेस थे, अगर मैं वहां पे लालो करता तो सारे जो लून्स हैं वो इधर उधर चले जाते, तो मेरे को वहां पे आरसी जो है वो यूज करना पड़ा। फाइनली हम लालो के पोर्शन को स्टार्ट कर रहे हैं, और गाइज मैं ये सजेस्ट करूंगा कभी कभी अगर आप हीरोज मरने से पहले भी लालो शुरू करना चाहो तो कर सकते हो। इसमें होता क्या है, आपकी हीरोज बच जाते हैं क्योंकि वो थोड़ा कम डैमेज लेते हैं, लून्स जो है लावा हाउंड जो है उन्हें डिस्ट्रैक्ट करते हैं, और उसके बाद पता क्या होता है, क्लीन अप के लिए आपकी हीरोज अवेलेबल होते हैं। बहुत टाइम पे मैंने ऐसा नोटिस किया, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मैंने लालो से पूरे डिफेंस तो निकाल दिए बट मेरे पास क्लीनअप कुछ बचता नहीं है, बट अगर आप हीरोज के साथ ही लालो शुरू कर दोगे तो ऐसा होता है कि आपके हीरोज बच जाते हैं जो बाद में आपको क्लीनअप में हेल्प करते हैं। यहाँ पे मेरा अटैक बिल्कुल सही चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं, अभी भी हमारे पास एक हेस्ट स्पेल बचा था, आरसी बची थी जो डिस्ट्रैक्ट कर रही थी स्कैटर शॉट को, और फाइनली यहाँ पे डिफेंस के नाम पे बस एक एयर डिफेंस और एक विजिट टार जो कि कुछ खास नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास बंच ऑफ लून्स थे, बहुत सारे लून्स थे क्लीनअप के लिए, हमारे पास काफ़ी सारे अगर आप बोलोगे तो मिनियंस भी हैं, लावा पॉप्स भी हैं, और उसी के साथ हीरोज बचे हुए हैं जो कि मैंने पहले भी बताया आपको बहुत वैल्यू हो जाती है अगर आपके हीरोज बचे होते हैं। तो इस केस में ऐसा ही था। फाइनली यहाँ पे एक लास्ट सिंगल टारगेटिंग इन्फर्नो टार्स बचा था बट उसका एचपी काफ़ी लो था, वन शॉट डाउन किया उसको वार्डन ने, और उसके बाद अगर आप देखोगे तो बेस पे बस क्लीनअप बचता है, टाइम की भी कोई इशू नहीं थी, तो बेसिस जो है वो काफ़ी आराम से टेक डाउन हम कर पा रहे हैं लालो से। तो यहाँ पे ये सेकंड अटैक था जो हमने यहाँ पे लालो से फिनिश किया। एक और अटैक मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो हमने रिसेंटली अभी थोड़ी देर पहले मैंने अटैक किया, उसके बाद हम एक लाइव अटैक पे चलेंगे। सो ये था वो अटैक, आप देख सकते हो ये है बेस, और यहाँ पे भी मैंने सोचा टाउन हॉल तो इजीली अवेलेबल है क्योंकि आप देखोगे तो टाउन हॉल के सामने ईगल भी है, स्कैटर भी है, एनिमी क्वीन भी है, इसका मतलब ब्लिजर्ड की वैल्यू ज़्यादा है, मतलब सिर्फ टाउन हॉल नहीं, टाउन हॉल से भी आपको ज़्यादा कुछ मिलने वाला है। तो मेरा एम यही था कि मैं टाउन हॉल कंपार्टमेंट के आसपास जाऊं, उसके बाद ईगल लूं, एक आधा स्कैटर अगर मिल जाए तो बहुत बढ़िया, एनिमी क्वीन भी मिल सकती है, तो वो एम लेके मैंने यहाँ पे ब्लिजर्ड जो है वो शुरू किया। लावा हाउंड ने मेरा बहुत सही काम किया, अगर आप देखोगे तो इन्फर्नो टार को भी टैंक कर रहा था एंड उसी के साथ साथ एयर डिफेंस को भी टैंक कर रहा था, तो मेरा ब्लिम जो है वो ने बहुत ही आसानी से वो पहुंच गया था कोर में। कोर में जाने के बाद जैसे मैंने यहाँ पे इनविजिबल और रेज किया, सबसे पहला जो चीज मेरे सुपरविजर से निकाला वो था एनिमी क्वीन, एनिमी क्वीन के बाद टाउन हॉल भी हमने इजीली ग्रैब किया, और उसके बाद अगर आप देखोगे तो हमने ईगल आर्टिलरी भी काफी इजीली ग्रैब किया। अरे कुत्ते भौंक रहे हैं यार, तब से वीडियो का रिदम खराब कर रहे हैं मेरा। ओके कोई नहीं, तो गाइज यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो सुपर विजर्ड्स ने फाइनली यहाँ पे थोड़ा डैमेज दिया था सीसी के ट्रूप्स को भी, बट फिर भी सीसी में विज और आइस गोलम था जो कि मेरे को काफ़ी अनॉइंग लगता है क्योंकि आपके हीरोज़ को काफ़ी ज़्यादा टाइम पास वो कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं आपके टाइम। फाइनली हमने अपना सेकंड पार्ट शुरू किया जो कि हीरो डाइव है। हीरो डाइव से हमारा एम ये था कि इन्फर्नो टार लेंगे, स्कैटर लेंगे, एनिमी किंग भी लेंगे क्योंकि किंग कभी कभी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है, आपके जो मिनियंस एंड लावा पॉप्स होते हैं उनको काफ़ी डिस्ट्रैक्ट करने से होता ये है कि बेस के
अंत मोमेंट में जब आपका क्लीनअप प्रोसेस चल रहा होता है तो आपके लून्स भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। पॉइजन हमको यहाँ पे करना पड़ा क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे विच है और विच से मैं काफ़ी डरता हूँ क्योंकि विच जो है वो स्केलेटन ल्यूर करके परेशान कर देती है। बट यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, हमने फ्रीज किया यहाँ पे इन्फिनोटार को। किंग एबिलिटी मैंने इसीलिए यूज़ करी क्योंकि मेरे को डर लग रहा था सिंगल इन्फिनोटार से। क्वीन एबिलिटी भी हमें यहाँ पे मजबूरन पॉपअप करनी पड़ी, बट यहाँ तक सब कुछ सही है। लालो मैंने शुरू किया, जैसे मैंने आपको पहले अटैक में भी बताया था गाइज, कि अगर आपको लग रहा है कि आपके हीरोज बचेंगे और बाद में क्लीनअप में हेल्प करेंगे तो आप बेशक यूज़ कर सकते हो लालो हीरोज बचे रहने के वक्त, वो काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। यहाँ तक हमारा अटैक काफ़ी स्मूथ चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ नहीं। रॉयल चैंपियन की एबिलिटी बची है, सेकंड स्कैटर भी निकल चुका है। अब अगर कोई थ्रेट था बेस में वो था ये वाला कंपार्टमेंट, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था कि जब तक मैं लास्ट कंपार्टमेंट में पहुंचूंगा मेरे बलून्स काफ़ी मर चुके होंगे, तो थोड़ा सा डर था मेरे को। बट फिर भी इतना कुछ खास नहीं, वार्डन एबिलिटी हमारे पास थी, आरसी एबिलिटी हमारे पास थी विच इज़ गुड। क्वीन भी बहुत लो एचपी, ऑलमोस्ट मैं बोलूँ तो 1 HP में बची हुई है, बट फिर भी क्लीनअप करने में बहुत हेल्प करने वाली है। फाइनली हमने अपना हेड हंटर्स भी यूज़ करे थे, बट हेड हंटर्स मैंने थोड़ी गलती कर दी, मैंने पहले यूज़ कर दिया, उसकी वजह से मेरे हेड हंटर्स कुछ खास कर नहीं पाए। बट फिर भी यहाँ तक तो मेरे को पता चल चुका था कि ये ट्रिपल है। वार्डन एबिलिटी मेरे पास बची हुई है यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो मेरे पास कोई स्पेल्स बचे नहीं है, बट वार्डन एबिलिटी काफ़ी है इतने छोटे सेक्शन को टेक केयर करने के लिए। क्लीनअप ट्रूप्स भी हमारे पास काफ़ी सारे थे, क्वीन बची हुई थी हमारे, मेरे को पता है बहुत लो एचपी में, बट फिर भी बची थी। एंड फाइनली हमने लास्ट इन्फिनोटार को टेक डाउन कर लिया और उसी के साथ इस बेस को हमने आराम से क्लियर किया। स्वैग वार्डन एबिलिटी, बट कभी कभी हो जाता है। एक्चुअली मैं यहाँ पे स्वैग नहीं करना चाहता था, मैं वेट कर रहा था कि वार्डन एबिलिटी कब यूज़ करूँ, फिर ऐसा हुआ कि ज़रूरत ही नहीं पड़ी मेरे को। तो ये कुछ अटैक्स थे जो मैंने आपको शेयर किए, आई होप आपको ये अटैक्स पसंद भी आए होंगे और अच्छे भी लगे होंगे, एंड इससे आपको कुछ सीखने को भी मिला होगा। अब फाइनली अब हम एक लाइव अटैक में जाएंगे, और आपको पता है गाइज लाइव अटैक जब भी मैं जाता हूँ थोड़ी दुख दुख होती है मेरे को, पता नहीं क्यों। कैमरे के सामने अटैक करना एक अलग ही डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है, तो उसको ध्यान पे रखते हुए करते हैं अपना अटैक, एंड लेट्स सी कि कैसा हमें बेस मिलता है। ओके फाइन, तो ये हमें बेस मिला है एंड हम लोग क्या करने वाले हैं, आई हैव नो आइडिया। अभी तक तो मैंने कुछ ज़्यादा सोचा नहीं है, चलो ठीक है अभी सोच लिया मैंने, पहले मैं थोड़ा सा टाइम लिया उसके बाद मैंने सोच लिया मेरे को क्या करना है। ओके लून दो, अरे ये क्या हो गया, अरे यार अटैक तो अभी गया। मैंने किसी को डोनेट करने के लिए यहाँ पे बनाए थे हॉग्स और मैं हॉग्स लेके आ चुका हूँ, मेरे पास एक लावा कम है। अटैक चौपट पहले से ही, मैंने देखा क्यों नहीं, हो जाती है गलती। ओके चलो ठीक है, अब जितना भी है कोशिश तो कर रहे हैं ना, कोशिश करना है कि इससे जितना भी हो सके खींचे अटैक को, बट मेरे को मुश्किल लग रहा है क्योंकि मेरे को पता है कि एक बिना कम लावा हाउंड के बहुत मुश्किल हो जाएगा हमें। बट लेट्स सी क्या कर पाते हैं, अगर कुछ होता है सही तो बढ़िया। क्या हम आरसी ले पाएंगे, ओ माय गॉड 1 HP आरसी बच गई, चलो कोई नहीं ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप हमने अच्छे से पार कर लिया, अब हमारा सेकंड स्टेप ये है कि हम येटी ड्रॉप करेंगे यहाँ पे एक विजर्ड, नाइस ओके। यहाँ पे वॉल ब्रेक करेंगे, इस साइड से मैं इसीलिए एंट्री ले रहा हूँ कि मेरे को हीरो वैल्यू चाहिए। वहाँ पे अगर आप देखोगे तो आई थिंक अगर मैं इस साइड से एंट्री लूँ तो मेरे को दोनों हीरोज़ मिल जाएंगे। यहाँ पे मेरे को पॉइजन करना पड़ेगा, अगर मैंने आपको पहले बताया था गाइस जब मैं आपको रिप्ले दिखा रहा था कि मेरे को बहुत बहुत ज़्यादा अनोइंग और बहुत ज़्यादा डर लगता है विचेस से, आई जस्ट हेट देम। ओके ठीक है, अभी भी नहीं, किंग कहाँ जा रहे हो, अरे नहीं किंग नहीं 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 ओके फाइनली वापस आ रहा है किंग, अरे नहीं एक विच बच गई है, बहुत लो है बट बची हुई है। ओके बच गया, फाइनली हम बच गए। ओके चलो यहाँ पे आरसी यूज़ करेंगे, फ्रीज करना पड़ेगा सिंगल इन्फिनोटार को, नाइस। किंग एबिलिटी यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, मैं नहीं चाहता कि आरसी हमें और तंग करे, नाइस ओके। अरे एक विच और है, नो दिस इज़ डिज़ास्टर। ओके कोई नहीं, अभी हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे हम अपना लालो शुरू कर रहे हैं, फाइन नाइस ओके ओके। दिक्कत यार, ये सिंगल इन्फर्नो टार सारे हीरोज़ को मार रहा है, दिस इज़ वेरी बैड, दिस इज़ सो सैड यार। स्कैटर शॉट ने भी बहुत ज़्यादा परेशान किया मेरे को, अब मैं क्या करूँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं हॉग्स को यहीं पे ड्रॉप करता हूँ, बहुत बड़ी दिक्कत हो गई गाइज। ऐसा गलती कर दिया मैंने, मैं एक लावा हाउंड कम लेके आ गया, वहीं पे मैं फंस गया यार, दिस इज़ सो बैड। कोई नहीं ठीक है, चलो जितना हो सके उतना परसेंटेज यहाँ पे निकालते हैं, थोड़े से मिनियंस हैं हम क्लीनअप के लिए यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, दिस इज़ सो बैड। टोर्नेडो ट्रैप में मेरे अटक गए ओके सो अटैक तो पूरा एकदम तितर बितर हो गया गाइस, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई। मैं एक्चुअली चेक नहीं करता हूँ अपनी आर्मी कभी भी, क्योंकि मेरे को पता है मैंने क्या बनाया है, मैं वही सेम आर्मी हमेशा बनाता हूँ, बट इस बारी मेरे से गलती हो गई कि मैंने डोनेशन के लिए यहाँ पे लावा हाउंड माइनस करके कुछ हॉक्स लिए हुए थे, जिसके चलते मेरे को दिक्कत हो गई। बट नॉर्मली एक्चुअली मैं इस अकाउंट से डोनेशन करता ही नहीं हूँ, तो मेरे को इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होता, मैं इतना सोचता भी नहीं हूँ।
कोई नहीं, फिर भी हमने इतना गलती नहीं किया, ठीक ठाक है, हमने 77% 80% के आसपास शायद जाएं, हम नहीं जाएंगे, 79% में फिनिश होगा ये अटैक जितना मेरे को लग रहा है। बट हमें ब्लिजर्ड की अच्छी वैल्यू मिली थी, अगर मैं बोलूं ईगल आर्टिलरी शायद हमने निकाल लिया था, टाउन हॉल निकाल लिया था, हमने ठीक ठाक वैल्यू गेन किया था ब्लिजर्ड से। बट हमने लालो में बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, क्योंकि जब मैंने देखा कि एक ही हाउंड है तब से मेरे दिमाग में एक अजीबोगरीब प्रेशर आ गया था। बट कोई नहीं गाइस, आई होप श्योर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, जैसे भी था, अगर लगा है तो प्लीज एंड प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। मिलूंगा गाइस अब तक नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे रहें, एंड एज ऑलवेज गाइस, जय हिंद, बाय।